हेलो फ्रेंड्स फ्रेंड्स आज हम जिस टॉपिक में बात करेंगे वो है ग्लूकोज। ग्लूकोज क्या है, बेसिकली मैंने पिछली वीडियो में मोनोसैकेराइड में हमने इसकी थोड़ी सी डिटेल पढ़ी थी, तो आज हम इसमें ग्लूकोज किन किन चीजों में पाया जाता है, इसके स्ट्रक्चर्स क्या हैं, और जो बेसिकली इसमें अल्फा बीटा डी ग्लूकोज और एल ग्लूकोज ये जो आइसोमर्स होते हैं ये कैसे बनते हैं, इनके स्ट्रक्चर्स कैसे हैं, हम उसके ऊपर बात करेंगे। तो सबसे पहले ग्लूकोज की डेफिनेशन जो होती है हम उसकी तरफ चलते हैं कि ग्लूकोज है क्या। ये एक ऐसा हेक्सोज मोनोसैकेराइड है जो क्या है जी, फोटोसिंथेसिस के दौरान बनता है। इसके अलावा जब पॉलीसैकेराइड और ओलिगोसैकेराइड की क्या होती है, हाइड्रोलाइसिस होती है, तो उसमें जब ग्लाइकोस्टेटिक बॉन्ड जो दो मोनोसैकेराइड के दरमियान होता है टूटता है तो उस दौरान भी ग्लूकोज बनता है। तो हम लोग डेफिनेशन की तरफ चलते हैं। डेफिनेशन क्या है जी, इट इज अ हेक्सो या हेक्सोज मोनोसैकेराइड फॉर्म ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस एंड हाइड्रोलाइसिस ऑफ ओलिगो एंड पॉलीसैकेराइड। ठीक है जी, तो ग्लूकोज क्या है, बेसिकली हेक्सोन है यानी कि 6 कार्बन शुगर है, मोनोसैकेराइड है तो सिर्फ 1 यूनिट मॉलिक्यूल है। कब बनता है, ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के दौरान जब क्या होता है, प्लांट और फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्टा ये कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को, प्लांट के अलावा फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्टा में कुछ टाइप है जो वाटर भी देगा अदर देन रिएजेंट को रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पर यूज करते हैं, तो इनको क्या किया जाता है जी, कंबाइंड रिएक्शन करवाया जाता है। किसमें, क्लोरोफिल की मौजूदगी में और सनलाइट। ठीक है जी, सनलाइट में, क्योंकि ये बेसिकली एनाबॉलिक रिएक्शन है, तो एनाबॉलिज्म रिएक्शन है या एनाबॉलिक रिएक्शन है, इसमें एनर्जी यूज होती है, एनर्जी रिक्वायर्ड होती है। तो इन दोनों को मिला के क्या किया जाता है जी, एक ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाया जाता है और इसके साथ ऑक्सीजन एज अ बाई प्रोडक्ट यूज होती है। तो ये बेसिकली फोटोसिंथेसिस का रिएक्शन होता है जिसमें क्या जी, ग्लूकोज बनता है। अब ओलिगोसैकेराइड और पॉलीसैकेराइड की क्या होती है, हाइड्रोलाइसिस, तो उस दौरान भी क्या होता है, वाटर बनता है। जब हम इसके स्ट्रक्चर देखेंगे तो तब मैं आपको बताऊंगा। ग्लूकोज जो होता है ये मेजर सोर्स ऑफ एनर्जी है फॉर अ लिविंग सेल। तो इंपॉर्टेंस इसकी क्या है, बहुत देखते हैं। तो अगर हम इंपॉर्टेंस की बात करते हैं तो सबसे पहले जैसे कि मैंने कहा ये सोर्स ऑफ एनर्जी है, ये एनर्जी के लिए चाहिए। लेकिन एनर्जी कैसी, जैसा कि रेस्पिरेशन का प्रोसेस हमने पढ़ा है जो क्या है, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस का बिल्कुल रिवर्स है। इसमें ऑक्सीजन को यूज करके ग्लूकोज को तोड़ा जाता है कार्बन डाइऑक्साइड में, वाटर रिलीज होता है प्लस एटीपी। ये जो एनर्जी है ये एनर्जी लिविंग ऑर्गेनिज्म यूज करते हैं, सेल यूज करता है डिफरेंट फंक्शंस के लिए। सेल की बात करें तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट के लिए यूज करेगा, इसके अलावा नर्व ट्रांसमिशन के लिए यूज कर सकता है। अगर हम लोग प्लांट होल ऑर्गेनिज्म की बात करें तो मूवमेंट, डाइजेशन, बोलने के लिए, चलने के लिए, डिफरेंट इवन के रिप्रोडक्शन के लिए भी क्या एनर्जी चाहिए, तो वो एटीपी के जरिए मिलती है और एटीपी इससे मिलता है ग्लूकोज में, तो ये इसीलिए हम लोग कहते हैं सोर्स ऑफ एनर्जी है। इसके अलावा जो ग्लूकोज होता है ये कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल्स भी बनाता है, जो क्या कहते हैं डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। इसके अलावा बहुत सी चीजों की ये रॉ मटेरियल है। ठीक है जी, ये रॉ मटेरियल के तौर पर भी काम करता है, जैसे कि अगर ओलिगो और पॉलीसैकेराइड की बात करें तो इसकी कंबाइन से ही मिलता है, तो ये पॉली और ओलिगोसैकेराइड का क्या है, रॉ मटेरियल। अब जब ग्लूकोज की अक्रस की बात करें तो हमें ये डिफरेंट फॉर्म में मिलता है, ये कंबाइन भी हो सकता है और फ्री भी। अक्रस में आते हैं तो ग्लूकोज हमें फ्री फॉर्म में मिलता है और कंबाइन फॉर्म में मिलता है। फ्री फॉर्म में किन में मिलता है, ये वेजिटेबल्स में हो सकता है, फ्रूट्स में हो सकता है। ठीक है जी, जब कंबाइन फॉर्म की बात करें तो पॉलीसैकेराइड्स
और ऑलिगोसैकेराइड में ये कंबाइंड फॉर्म में है, ठीक है जी। उनमें क्या है, कंबाइंड फॉर्म में मिल रहा होता है। इस तरह जब हम लोग स्ट्रक्चर की तरफ आते हैं तो ग्लूकोज के स्ट्रेट चेन और रिंग फॉर्म स्ट्रक्चर है, ये दो तरह के स्ट्रक्चर हमें मिलते हैं। जो स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर होता है इसके दो आइसोमर्स हैं, डी ग्लूकोज और एल ग्लूकोज, और जो रिंग फॉर्म है इसके भी दो आइसोमर्स हैं, एक को हम लोग कहते हैं अल्फा ग्लूकोज और एक को हम लोग कहते हैं बीटा रिंग ग्लूकोज या बीटा ग्लूकोज। तो वो कैसे होते हैं, हम उसके स्ट्रक्चर्स की तरफ आते हैं और इसकी डिटेल देखते हैं। तो ग्लूकोज के स्ट्रक्चर्स की तरफ चलते हैं। तो जैसा कि मैं पहले ही बताया कि ग्लूकोज क्या है, हमें दो स्ट्रक्चर्स इसके मिलते हैं, एक को हम लोग कहते हैं स्ट्रेट चेन और दूसरे को हम लोग कहते हैं रिंग फॉर्म, ठीक है जी। स्ट्रेट चेन क्या है, ग्लूकोज जिसमें उसकी जो बैकबोन है या स्केलेटन है वो कार्बन की चेन बना रही होती है और इसके साथ फर्स्ट कार्बन के ऊपर एल्डिहाइड ग्रुप लगा होता है, और ऐसा कार्बन जिसके साथ डबल बॉन्ड ऑक्सीजन हो, ऐसे कार्बन को हम लोग कार्बोनाइल का नाम देते हैं। और मोनोसैकेराइड के अंदर जो मैंने एनोमेरिक कार्बन का जिक्र किया था वो ये ग्रुप था, ठीक है जी। और इसके साथ क्या होता है जी, यहां पे हाइड्रोक्सल ग्रुप, थर्ड कार्बन के ऊपर हमें पता है कि शिफ्टिंग होती है और बाकी प्रोसेस वैसे का वैसे ही, बाकी स्ट्रक्चर वैसे ही हम लोग ड्रॉ करते हैं। तो ये जी ग्लूकोज का क्या स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर, जिसमें उसकी बैकबोन कार्बन ने बनाई है, इसके साथ हाइड्रोक्सल ग्रुप लगे होते हैं और क्योंकि ये एल्डोज शुगर है तो इसके अंदर एल्डिहाइड ग्रुप लगा होता है। और ग्लूकोज का जो दूसरा नाम है इसे हम लोग डेक्सट्रोज भी कहते हैं, ठीक है जी, इसे हम लोग डेक्सट्रोज का भी नाम देते हैं। अब जो स्ट्रेट चेन कंपाउंड है इसकी भी दो टाइप्स हैं हमें, ठीक है। स्ट्रेट चेन जो ग्लूकोज है इसकी भी दो टाइप है, एक को हम लोग कहते हैं डी ग्लूकोज और एक को हम लोग कहते हैं एल ग्लूकोज, ठीक है। ये बेसिकली फिशर प्रोजेक्शन स्ट्रक्चर है, फिशर प्रोजेक्शन स्ट्रक्चर है जिसमें उसने स्ट्रेट चेन की स्ट्रक्चर बनाया, जिसमें उसने बताया था कि इसके दो आइसोमर्स हो सकते हैं, डी ग्लूकोज और एल ग्लूकोज। ये बेसिकली क्या है, डी ग्लूकोज और एल ग्लूकोज की मिरर इमेज है। कि फर्ज करें अगर ये चीज है, या इसके पहले मैं एक मिसाल देता चलूं कि अगर फर्ज करें आईने के सामने मैं खड़ा होकर अपना दाया हाथ उठाता हूं तो आईने के अंदर वो मेरा बाया हाथ बनेगा। सेम प्रोसेस यहां पे यही होता है कि जो फिक्सर प्रोजेक्शन स्ट्रक्चर है या स्टेट चेन के स्ट्रक्चर है वो डी ग्लूकोज है और एल ग्लूकोज है। ये स्ट्रक्चर जिसमें हाइड्रोक्सल ग्रुप इस तरफ है और थर्ड कार्बन के ऊपर सिर्फ हाइड्रोजन है, इसे हम लोग कहते हैं डी ग्लूकोज। और इसी तरह अगर हम इसका एल ग्लूकोज बनाना चाहें तो उसमें क्या है जी, सिर्फ कार्बन कंपाउंड चेंज हो जाते हैं, इसमें डी ग्लूकोज में जो चीज दाएं तरफ होगी एल ग्लूकोज में वो बाई तरफ आ जाएगी। तो उस लिहाज से हम लोग देखते हैं यहां पे एच ओ तो अगर हम इन दोनों को कंपेरिजन करें तो दीज आर मिरर इमेज। तो क्योंकि इनमें सिर्फ कायरल कंपाउंड की शिफ्टिंग हुई है तो ये इंटरकन्वर्टिबल होते हैं, इसीलिए एक सॉल्यूशन के अंदर आप लोगों को डी ग्लूकोज और एल ग्लूकोज दोनों मिलेंगे, ठीक है जी। ये स्ट्रक्चर है एल ग्लूकोज का। और जो बायोलॉजिकल कंपोनेंट्स हैं या बायोलॉजिकल सेल्स की बात हम लोग करते हैं कि वो ऑर्गेनिज्म ग्लूकोज की स्ट्रेट चेन में तो दो टाइप है, तो ऑर्गेनिज्म कौन से ग्लूकोज यूज करते हैं, तो जो
लिविंग सेल है या बायोलॉजिकल एक्टिव ऑर्गेनिज्म है जो जिंदा सेल्स है वो डी ग्लूकोज को एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी यूज करते हैं, ठीक है जी। वो क्या करते हैं, डी ग्लूकोज को सोर्स ऑफ एनर्जी के तौर पर यूज करते हैं। क्यों? क्योंकि एंजाइम उनके अंदर ये डिफरेंट बायोलॉजिकल फैक्टर कुछ ऐसे आते हैं जो सिर्फ डी ग्लूकोज की ही ग्लाइकोलाइसिस करवाते हैं, एल ग्लूकोज की ग्लाइकोलाइसिस नहीं होती, इसे पहले डी ग्लूकोज में कन्वर्ट करना पड़ता है। तो अब जो रिंग फॉर्म की तरफ हम आते हैं, तो रिंग फॉर्म के भी दो स्ट्रक्चर हमें मिलते हैं एट अ टाइम, एक हम लोग अल्फा और एक को बीटा कहते हैं। जो अल्फा स्ट्रक्चर होता है उसमें भी हाइड्रोक्सिल ग्रुप की अटैचमेंट होती है कि इसकी ओरिएंटेशन ऊपर है कि नीचे है, और इस तरह बीटा ग्रुप जो है इसकी भी ओरिएंटेशन की ही बात की जाती है। अल्फा ग्लूकोज एंड बीटा ग्लूकोज, ठीक है जी। इसमें क्या होता है कि बेसिकली पहले हम लोग ये देखते हैं कि रिंग फॉर्म बनती कैसे है। तो रिंग फॉर्म में क्या होता है, तो बेसिकली जब हम किसी ग्लूकोज को वाटर के अंदर डिसॉल्व करते हैं तो ये रिंग फॉर्म के स्ट्रक्चर अटेन करता है। वो रिंग फॉर्म को हम लोग रिंग का नाम देते हैं, और जो रिंग है उसका जो नाम है उसे हम लोग कहते हैं पायरनोस, ठीक है जी। इसके अलावा ग्लूकोज इसमें पायरनोस क्यों कहते हैं, क्योंकि सिक्स कॉर्नर रिंग है, ये ग्लूकोज सोल्यूशन की फॉर्म है, फाइव कॉर्नर रिंग भी ले सकता है जिसे हम लोग कहते हैं फ्यूरानोस का नाम देते हैं, लेकिन मोस्ट कॉमनली हमें सिक्स कॉर्नर रिंग मिलता है इसलिए हम उसे पायरनोस कहते हैं। अब इसमें जब हम इसे वाटर में डिसॉल्व करते हैं, जो कार्बन नंबर 5 है इसमें और यहां पे जो ऑक्सीजन है इनके दरमियान बेसिकली रिएक्शन होता है कार्बन नंबर 1 और कार्बन नंबर 5 में। क्या होता है, ये ऑक्सीजन कार्बन के ऊपर अटैक करता है, जैसे इसने कार्बन के ऊपर अटैक किया तो क्या होता है, कार्बन और इस ऑक्सीजन का बॉन्ड बन जाता है। अब कार्बन के यहां पे 5 बॉन्ड होंगे, लेकिन कार्बन हमें पढ़ा है कि टेट्रा वैलेंस होता है कि सिर्फ 4 बॉन्ड शो करता है, तो क्या होगा, इसे एक बॉन्ड छोड़ना पड़ेगा। तो कार्बन क्या करता है, अपना एक बॉन्ड ऑक्सीजन को दे देता है, जैसे ही ऑक्सीजन को देगा और यहां से भी ऑक्सीजन के क्या हो चुके हैं, 1, 2 और तीसरा कार्बन के साथ बॉन्ड है, तो ये हाइड्रोजन से अपना बॉन्ड ब्रेक कर लेता है। और यहां पे शिफ्टिंग की वजह से क्या होता है, ऑक्सीजन के ऊपर ये चार्ज आ गया, ये नेगेटिव चार्ज की वजह से हाइड्रोजन पे अटैक करती है, इसकी वजह से क्या होता है, हाइड्रोजन यहां पे इसके साथ आगे जुड़ जाते हैं, और इस पूरे प्रोसेस के दौरान कार्बन की जो रिंग होती है ये स्टेप बाय स्टेप बेंड होती जाती है, और ये स्ट्रक्चर यहां से चेंज होके कुछ इस फॉर्म में आ जाता है जिसे हम लोग ग्लाइको पायरनोस का नाम दे रहे हैं। अब ये बेसिकली होता कैसे है, अट्रैक्शन कैसे होती है, और ये रिएक्शन क्या होता है, तो हम ड्रिंक की फॉर्म में देखते हैं कि किस तरह ये रिएक्शन होता है। तो बेसिकली जब ग्लूकोज को हम वाटर में ऐड करते हैं तो कार्बन नंबर 5 और कार्बन नंबर 1 में जब अट्रैक्शन होती है तो ये रिंग बेंड होती है, बेंड होने की वजह से क्या होता है, कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बनता है जिसमें क्या होता है, जी OH नीचे की तरफ होते हैं और H ऊपर की तरफ होते हैं,
और थर्ड कार्बन में क्योंकि हमें पता शिफ्टिंग होती है तो यहाँ पे प्रोसेस थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है। अब यहाँ पे इसके पास हाइड्रोजन था, हमने पढ़ा इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, ठीक है जी। तो ये क्या करता है, अटैक करता है कार्बन के ऊपर, जिसकी वजह से क्या होता है कार्बन के यहां पे बॉन्ड बन जाता है। कैसे वो देखते हैं, ऑक्सीजन के अटैक करने से क्या हुआ, यहां पे एक बॉन्ड बन गया। अब ऑक्सीजन के अटैक टाइम तीन बॉन्ड है जैसे कि हमें नजर आ रहे हैं, एक कार्बन के साथ, एक हाइड्रोजन के साथ, एक ऑक्सीजन के साथ। इसी तरह कार्बन के क्या है, पांच बॉन्ड हो चुके हैं, तो कार्बन अपना बॉन्ड शिफ्ट कर देता है ऑक्सीजन को। तो अब क्या होगा, जैसे ही कार्बन ने बॉन्ड शिफ्ट करना है ऑक्सीजन के ऊपर, क्या होगा नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, क्यों, इसका एक बॉन्ड अभी रहता है, ये इस नेगेटिव चार्ज के जरिए अटैक करेगा इस हाइड्रोजन को। और फिर क्या होगा, इस दौरान ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का बॉन्ड ब्रेकअप हो चुका होता है, तो क्या नतीजा निकलेगा वो देखते हैं। ठीक है, तो इस तरह क्या होता है, बेसिकली एक रिंग फॉर्म बनता है स्ट्रेट चेन से इतने प्रोसेस से गुजरते हुए, और ऐसा स्ट्रक्चर को हम लोग कहते हैं ग्लाइकोपाइरानोज। और इसके अंदर अगर हम लोग अरेंजमेंट की बात करें कि ये अल्फा है कि ये बीटा है, तो हमने बेसिकली जो स्ट्रक्चर में दो ग्रुप देखने होते हैं, ठीक है जी, हमने बेसिकली दो ग्रुप देखने, कौन कौन से, पहला सिक्स कार्बन और दूसरा फर्स्ट कार्बन। हमने जो चेक करना है फर्स्ट कार्बन के अंदर ये जो OH किस जगह पे, और सिक्स कार्बन का OH तो रहता है यहाँ पे। अगर ये दोनों सेम ओरिएंटेशन पे हो तो आप उसे बीटा ग्लूकोज का नाम देते हो, और अगर ये डिफरेंट हो जैसे कि यहाँ पे ये ऊपर की तरफ है और ये नीचे की तरफ है, तो ऐसे को आप लोग अल्फा ग्लूकोज का नाम देते हो। और अगर यही ओरिएंटेशन डिफरेंट हो जैसा कि यहां पे हम लोग देख सकते हैं कि यहां पे OH और यहां पे OH दोनों क्या ऊपर की तरफ है, तो ऐसे ग्लूकोज को हम लोग बीटा ग्लूकोज का नाम देते हैं, ठीक है जी, ऐसे ग्लूकोज को हम लोग बीटा ग्लूकोज का नाम देते हैं। तो इस तरह क्या होता है कि, और यहां पे जैसे कि हमने डी और एल ग्लूकोज की बात की थी, तो ये भी है इंटर कन्वर्टेबल है। अगर आप एक ग्लूकोज या एक सोल्यूशन बनाते हैं ग्लूकोज का, तो आपको उसमें बीटा ग्लूकोज और अल्फा ग्लूकोज दोनों मिलेंगे। इसके अलावा अगर आप सिर्फ अल्फा ग्लूकोज को ही यूज करते हैं, तो सॉल्यूशन की फॉर्म में आप सॉल्यूशन बनाते हैं तो आपको उसमें बीटा ग्लूकोज मिलेंगे, सिर्फ बीटा का यूज करते हैं तो आपको अल्फा ग्लूकोज मिलेंगे। ये दोनों क्या है, इंटर कन्वर्टेबल। लेकिन लिविंग ऑर्गेनिज्म में जैसे कि हमने पढ़ा था डी ग्लूकोज होता है, तो इसी तरह इस रिंग फॉर्म की भी बात करें तो जो लिविंग ऑर्गेनिज्म यूज करते हैं वो है अल्फा डी ग्लूकोज, जो कि ये वाला स्ट्रक्चर है। लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर जो सोर्स ऑफ एनर्जी के तौर पे यूज होता है वो ये स्ट्रक्चर होता है। तो ये है कि आज का हमारा टॉपिक।